यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बहराइच का जिला अस्पताल एक बार फिर आरोपों के घेरे में आ रहा है और साथ ही बीती रात जिला महिला अस्पताल के गेट के सामने एक पिता अपने नवजात बच्चे का शव लिए डॉक्टर और नर्सों पर गंभीर आरोप लगाता दिखा। जानकारी के मुताबिक थाना रानीपुर इलाके के गोबरहा गांव निवासी लल्लू ने अपनी पत्नी रेशमा को कल सुबह प्रसव कराने के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। जन्म के बाद बच्चे को आईसीयू में ऑक्सीजन पर रखा गया था। आरोप है कि प्रसव के ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने 1,000 रुपए की मांग की। गरीब पिता के पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी के चलते उसने उसको 200 रुपए दिए, लेकिन वो नहीं माना। पिता के मुताबिक पैसे न देने पर नर्स ने बच्चे को लगा ऑक्सीजन पाइप निकाल दिया और ऑक्सीजन निकालते ही कुछ ही देर में बच्चे की मौत हो गई।